फोर न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट करते हैं पेज ट्वेंटी सिक्स पर यूनिट थ्री एन एन सी एन फाइव दिस इज अल यानी ये एक लोक दास्तान है आइए पहले इसके वर्ड्स मीनिंग पढ़ते हैं वर्ड्स टू नो चार्मेलिक मज़ेदार पकवान फ्यूरियस नहाय गुस्से में ग्लम असरदा स्काउल त्योरी स्क्रिंग तेजी से चलना चक्कर एनन्सी एक दफ़ा का जिक्र है बहुत अरसा पहले अनैन्सी नाम का एक हीवान होता था एनन्सी वॉज अ स्पाइडर बाजातन्कड़ी होता सम ही बात वो इंसान होता एंड अदर टाइम्स ही वॉज अज मिक्स ऑफ द टू और बा वो दोनों का एक अजीब सा अमेजा होता एन एन्सी वॉज अ ट्रिक्सटर एन एक चक्करबाज था एंड ही वॉज और वो मुश्किल वक्त से दो चार था he had नो मनी टू buy फूड फॉर हिज फैमिली उसके पास अपने घर वालों के लिए खाना खरीदने के लिए कोई पैसा ना था एज ही walked अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग एक रोज़ सुबह सवेरे गांव के गिरत टहलते हुए He had a scowl on his face. उसकी थ्यूरी चढ़ी हुई थी एंड अ ग्राउल इन हिज स्टमक और उसके पेट में गुड़ हो रहा था पासिंग बाय अ नेबर्स हाउस एक पड़ोसन के घर के पास से गुजरते हुए एन एनसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम Nancy ने एक ऐसी बात सुनी जिसने उसे खुश कर दिया। The was an old witch. एक बूढ़ी थी। एक थीली an और बदमिजाज जादूगरनी थी बिकेम फ्यूरियस वेन एवर एनी जो तैश में आ जाती जब भी कोई उसका नाम लेता शी हेटेड हर नेम उसे अपने नाम से नफरत थी थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ट और लुकड सरप्राइज वन दे हर्ड वट हर नेम वॉज सारी उम्र जब भी लोगों ने उसका नाम सुना वो हंस दिए यारान हो गए कैन यू गेस्ट वट हर नेम वॉज क्या आप पूछ सकते हैं कि उसका नाम क्या था इट वॉज फाइव उसका नाम पाँच था एन एन सी पीट थ्रू अ गैप इन दिथ्स फैंस सी ने जादूगरनी की बाढ़ के एक सुराख या दरस से झांक कर कुकिंग वो अपने fort. वो अपने बड़े से देखचे में कफ़कीर हिला रही थी एंड मटरिंग स्पेल और एक मंत्र बड़बड़ा बढ़ा रही थी द स्मोक एंड स्पार्क्स फॉर ब्ल्यू एंड ग्रीन धुआं और चिंगारियाँ नीली और सब्स थी सो एन एन सी न्यू शी वॉज कुकिंग मैजिक लिहाजा एन एन सी जान गया कि वो कोई बहुत बड़ा जादू कर रही थी सडनली शी स्नेच अपर अचानक उसने झपट कर अपनी लाठी उठाई या असा उठाया एंड

गायब हो जाएगा अनंसी रब्ड हिज हैंड्स टुगेदर अनंसी ने हाथ मले एंड जंप्ड अराउंड ऑन हिज एट हेरी लेग्स और अपनी आठ बालों से भरी टांगों पर इधर से उधर उछलने लगा आ, दिस कुड मेक मी सम मनी आ, इससे मैं कुछ पैसा कमा सकता हूँ और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माय फैमिली या अपने घर वालों के लिए मेज पर कुछ खाना सजा सकता हूँ वो खुलकर मुस्कुराया और उसके तेज धार दांत जगमगाएंसी रश टू दास्ट डेट रैन अलॉन्ग द रिवर बैंक बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस अन भाग कर उस रास्ते तक पहुँचा जो गाँव और मंडी के दरमियान दरिया के किनारे किनारे जाता था सोन एवरी वन हु वॉज गंग टू द मार्केट वुड वॉक पास जल्द ही मंडी जाने वाला हर फर्द वहाँ से गुजरने लगा गुजरता दे वुड बी ऑन द वे टू बाय द डिलीशियस येम्स बीट्स पर्सेज एंड रीन्स डेट वुड बी पायल हाई इन द मार्केट वो मज़ेदार जम्स यानी कचालू या शकरगंदी टाइप का कोई वेजिटेबल होगा तो वो मज़ेदार कचालू चकंदर दालें और अनाज खरीदने जाते जिनके मंडी में ढेर लगे होते सेट टू वर्क एंड फाइव ऑफ नियर द पाथ एनेंसी एनसी ने काम शुरू किया और रास्ते के नज़दीक मट्टी के पांच ढेर लगा दिए दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड फाइव यम्स वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे पाँच कचालू बो दिए गए हों देन ही सैट डाउन एंड वेटेड फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा फर्स्ट टू कम बाय वॉज लिटिल मिसिज रैबिट सबसे पहले वहां से खरगोश की छोटी बेगम गुजरी शी कैड अ बास्केट फुल ऑफ स्वीट पोटैटो पीसीस एंड वॉक स्लोली बिकॉज इट वॉज हैवी आ, ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ सबसे पहले वहाँ से छोटी बेगम खरगोश गुजरी आ, उसने शकरगंदी के टुकड़ों से भरी एक टोकरी उठा रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि ये वजनी थी एनेंसी स्टेप फॉरवर्ड एंड स्माइल्ड एनेंसी आगे बढ़ा और मुस्कुराया दैट लुक्स लाइक अ बिग वेट ये वजन बहुत ज्यादा मालूम होता है प्लीज रेस्ट अ व्हाइल एंड हेल्प मी मेहरबानी करके थोड़ी देर सुस्ता लीजिए और मेरी मदद कीजिए आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी यम्स आई हैव प्लांटेड मैं गिनती करना नहीं जानता इसलिए मैं नहीं बता सकता कि मैंने कितने कचालू बोए हैं मिसेस रैबिट वाज काइंड सो शी स्टॉप्ड बेगम खरगोश बहुत मेहरबान मिजाज की थीं इसलिए वो रुक गई अपनी टोकरी नीचे रखी और फुदकती हुई कतार तक पहुंचकर कर गिनने लगी एक दो तीन चार पाँच इन अ फ्लैश एंड अ बैंड रैबिट डिस एक धमाके और धमाके के साथ बेगम खरगोश गायब हो गई

और उनके पैर रास्ते पर पटर पटर की आवाज पैदा कर रहे थे ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड उन्होंने अपने दोपहर के खाने पर मुश्तमिल एक थैला पहलू में लटका रखा था मिस्टर डग स्टॉप व्हेन ही सॉ एन एनसी जब बतख साहब ने एनसी को देखा तो रुक गए एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज और उसका हाल दरियाफ्त किया अनैन्सी पुट ऑन अ ग्लम एक्सप्रेशन अनैन्सी ने चेहरे पर उदासी तारी कर ली मिस्टर डक आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई येम प्लान बतख साहब मुझे अपने कचालू के पौधे गिनने का तरीका बिल्कुल नहीं आता कैन यू हेल्प मी प्लीज़ क्या आप मेहरबानी करके मेरी मदद कर सकते हैं मिस्टर डक बॉब्ड हिज हेड। बतख साहब ने अपना सर हिलाया एंड पफ्ड आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर और अपने अपना सीना मजीद खुला लिया वेल एन सेड इट इज़ क्वाइट सिंपल एन उन्होंने कहा बड़ी सादा सी बात है स्टार्ट विद वन देन इट्स टू थ्री फोर एंड फाइव एक से शुरू करो फिर आते हैं दो, तीन, चार और 5 मिस्टर डक डिसअपीर्ड इंस्टेंटली बतख साहब फौरन गायब हो गए एननसी एट अप द लंच एननसी ने दोपहर का खाना खा लिया नाउ आई नो यू विल बी वंडरिंग अबाउट एननसीस फैमिली अब मुझे मालूम है कि आप एननसी के घर वालों के बारे में सोच रहे होंगे डिड ही थिंक अबाउट देम क्या उसने उनके बारे में सोचा डिड ही क्या उसने उनके लिए कुछ खाना बचाया नो no, ही नहीं उसने ऐसा नहीं किया ही विदाउट एनी ऑफ देम उसने उनमें से किसी एक के बारे में भी एक बार भी सोचे बगैर हर चीज खा ली नेक्स्ट टू कम अलोंग ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाई सम टेस्टी ट्रीट्स वॉज मिस फ्रॉक उसके बाद मिस मेंढकी आई जो खाने पीने की चंद मज़ेदार चीज़ें खरीदने मंडी जा रही थी शी डिड नाट स्टॉप वन एन एनसी कॉल्ड हर आफ्टर हर जब एन एनसी ने पीछे से आवाज़ लगाई तो वो नहीं रुकी हे प्लीज़ हेल्प मी हेल्प मी काउंट माय प्लांट्स ए मेहरबानी करके पौधे गिनने में मेरी मदद करो शी लाफ्ट वो हंसती नो वे काउंट देम बाय योरसेल्फ कोई चक्कर नहीं इन्हें खुद गिन लो शी कॉल्ड ओवर हैड शोल्डर एस ही उन्होंने फुदक कर दूर निकलते हुए मुड़कर कहा इट डिड नॉट बॉर्डर अनन्सी टू मच अनसी इस बात से ज़्यादा परेशान ना हुआ बिकॉज ही न्यू देर वुट क्योंकि वो जानता था कि अपना चक्कर चलाने के उसे और भी बहुत से मौाक़े मिलेंगे ही इमेजिन वट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड उसने तस्वर किया कि उसे कौन कौन से मज़ेदार खाने मिलेंगे he did not imagine taking any to his hungry children उसने उनमें से किसी एक को भी अपने भूखे बच्चों के पास ले जाने के बारे में नहीं सोचा he was going to eat as much as he could fit in his stomach उसने पेट में जितना उसके पेट में जितना समा सके वो उतना खाना चाहता था and then come back एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन एनदर डे और फिर किसी और दिन वापस आकर यही चक्कर आजमाना चाहता था अस्करिंग साउंड पुल्ड एनन्सी आउट ऑफ हिज डे ड्रीम तेज तेज कदमों की आवाज ने एनन्सी को उसके खुली आँखों के खाब से बाहर खींच लिया इट वॉज मिसिस ये बेगम शुरू थी ऑन हर टाइनी बैग शी हैड अ ह्यूज लोड ऑफ फ्रेशली मेड है अपनी नन्नी से कमर पर उन्होंने ताजा बनी हुई कचोरियों का बड़ा सा बोझ उठा रखा था दैट शी वॉज होपिंग टू सेल जिन्हें वो फरोख्त करने की उम्मीद लगाए हुए थी द लॉर्ड वॉज थ्री टाइम्स हर साइज बोझ उनकी जसामत से तीन गुना ज्यादा था एंड हर फेस वॉज रेड फ्रॉम द एफ शी वॉज मेकिंग और उन्हें जो कोशिश करना पड़ रही थी उसकी वजह से उनका चेहरा सुरख हो रहा था ओह लेडी शू हाउ नाइस टू सी यू ओह मोहतरमा शू आपको देखकर बहुत खुशी हुई सिट अ वाइल एंड रेस्ट थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और सस्ता लीजिए आई नीड योर हेल्प टू काउंट माई प्लांट्स मुझे अपने पौधे गिनने के लिए आपकी मदद की जरूरत है एंड यू कैन शेयर योर विजडम विद मी और आप अपनी अकल या दानिश मेरे साथ बांट सकती हैं एननसी ग्रिंड एंड शोड ऑल हिज शार्प टीथ एननसी मुस्कुराया और अपने तमाम तेज धार दांतों की नुमाइश की ही वाज ट्राइंग हार्ड टू बी चार्मिंग वो दिल मोह लेने की भरपूर कोशिश कर रहा था बिकॉज़ रियली वेड टू ईट ऑल दायस क्योंकि वह बड़ी शिद्दत से तमाम कचोरिया खाना चाहता था मिसिस श्रू वॉज नॉट अ फूल बेगम श्री बेवकूफ या अहमद ना थी शी कु आइज ग्लिस एट द पायस वो कचोरियों पर नजर डालकर अनेंसी की आंखों को चमकता हुआ देख सकती थी वेल अनैन्सी यू आर काइंड एनैसी तुम मेहरबान मिजाज हो आई एम टायर्ड मैं थकी हुई हूँ शी पुट डाउन हर लोड उन्होंने अपना बोझ नीचे रख दिया हाउ कैन आई हेल्प मैं कैसे मदद कर सकती हूँ आई कैन आई कैन नॉट काउंट ही लाइड मैं गिनती नहीं कर सकता उसने झूठ बोला कैन यू काउंट माई यम माउंट्स फॉर मी क्या आप मेरे कचालू के ढेर मेरे लिए गिन सकती हैं श्री स्माइल्ड बेकम श्री मुस्कुराई शी वॉक टू द नियरेस्ट माउंट एंड स्टूड ऑन इट वो नज़दीक तरीन ढेर के पास पहुंची और उस पर खड़ी हो गई शी पॉइंटेड टू द माउंट डेट वॉज फर्दस्ट अवे फ्रॉम हर उन्होंने सबसे दूर पड़े ढेर की तरफ इशारा किया वन टू थ्री फोर एंड दिस वन एक दो तीन चार और ये वाला शी सेट क्लियरली उन्होंने वाजे अंदाज में कहा एनन्सी फ्राउंड एनन्सी ने माथे पर बल डाले डू इट अगेन दोबारा कीजिए से ऑल द नंबर ही सेट तमाम नंबर बोलिए तमाम इदाद बोलिए उसने कहा वन टू थ्री फोर एंड दिस वन डेट आई एम सिटिंग ऑन एक दो तीन चार और ये जिस पर मैं बैठी हुई हूँ मिसेस श्रूज स्पोक स्लोली एंड क्लियरली बेगम श्रू ने आहिस्ता आहिस्ता और वाज अंदाज में कहा अ फ्लैश ऑफ एंगर पास्ट ओवर एनन्सी फेस एनन्सी के चेहरे पर गुस्सा चमका कम ऑन देम प्र चलिए भी इन्हें ठीक तरह से कहिए ही वॉज फाइंडिंग इट डिफिकल्ट की अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखने में दुशारी महसूस हो रही थी अगेन शिव स्वीटली एक बार फिर बेगम शिव बड़े प्यार परे अंदाज में मुस्कुराई एंड काउंटेड स्लोली वन टू थ्री फोर एंड दिस वन हेर और आता आ गती की एक दो तीन चार और ये वाला शीज शी पॉइंटेड टू द माउंट बीनी उन्होंने अपने कदमों के नीचे मौजूद ढेर की तरफ इशारा किया अर्ग, से वन टू थ्री फोर फाइव शाउटेड एनएनसी हम्म हम्म, कहिए एक दो तीन चार पांच, एनएनसी चलाया इंस्टेंटली इन बिग बर्स्ट ऑफ स्पार्क्स, ही यकायक चंगारियों के एक झमाके के साथ वो गायब हो गया मिसेस श्यू पिक अप हर लॉर्ड एंड सेट ऑफ टू द मार्केट बेगम श्यू ने अपना बोझ उठाया और मंडे की तरफ चल दी शी वुड सेल दी स्पाइस वो इन कचोरियों को बेचने एंड बाय माउथ वाटरिंग हर फैमिली और अपने घर वालों के लिए मुंह में पानी लाने वाले मजेदार पकवान खरीदने वाली थी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट थ्री की एक्सरसाइजेस के साथ थैंक यू अल्लाह हाफिज़